आज मैं आपको बताने जा रही हूँ महाराज दशरथ के जन्म की एक अद्भुत घटना। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा दशरथ जी के पिताजी दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उन्हें वंदना करते देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि सदैव वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है ना कि पीछे, इसके पीछे क्या कारण है। राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था तभी मुझे यहाँ से एक योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी। मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है, तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की ओर किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण एक योजन दूर वहाँ गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध करे ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया था। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हों। अयोध्या नगरी से दूर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियाँ देनी चाहिए लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिया और यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा ही दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का भेष बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनम्र विनय कर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टके को ज़मीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा रथ निकला और आसमान की ओर चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की ओर चले गए और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ ज़मीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए और यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था और ये 10ों दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसलिए दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।